वेलकम माय सोल फैमिली, देखते हैं आज की कलेक्टिव एनर्जी। ये टाइमलेस रीडिंग है और ऑल साइंस, ऑल जेंडर्स और ऑल रिलीजन्स के लिए रीडिंग है। कलेक्टिव एनर्जी सिक्स ऑफ सोर्ड्स की आई है। आज आप किसी कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक पर्सन से मूव ऑन कर लोगे। कोई नेगेटिव साइकिल आपकी लाइफ से परमानेंटली एंड होगा या कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है तो उसकी एंडिंग को लेके आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती। थोड़ी हैवी एनर्जी है आज के दिन। एक तो आप टॉपिक को ख़त्म करने के मूड में रहोगे या क्लियरली मूव ऑन कर लोगे। मैं यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। द वर्ल्ड के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे, खास करके फाइनेंस को लेके, करियर को लेके, तो वो यहाँ पे एंड होते हुए दिख रहे और बहुत पॉजिटिवली एंड होंगे। उसका रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा। कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली। आपने जो भी एफर्ट अभी तक डाले हैं उसको लेके आपको कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है, कोई अप्रिशिएशन भी मिल सकता है। सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को मैं क्लेरिफाई करूँगी। सेवन ऑफ सोर्ड्स के लिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। कोई थर्ड पार्टी है जिन्होंने आपको बैकस्टैप किया है, तो आप उनको बहुत सक्सेसफुली जवाब भी दोगे और उनको पूरी तरीके से कट ऑफ भी करोगे। जो भी कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में आपको परेशान कर रहा है, वो इसके आगे आपको ट्रिगर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप खुद अभी नो मोर सफरिंग की एनर्जी में आ चुके हो। किसी कॉन्फ्लिक्ट को आप एंड करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, तो उसको यहाँ पे सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। आपकी कंडीशंस पे सिचुएशन सॉर्ट आउट होगी। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के लिए एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मतलब जो भी थर्ड पार्टी इशू है, कोई कार्मिक सिचुएशन या नेगेटिव साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए आप एक इमीडिएट एक्शन लेने वाले। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। यहाँ पे मेजर एंडिंग्स दिख रहे हैं, तो उसकी वजह से आप थोड़ी हैवी एनर्जी फील कर सकते हो। आपके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। एक तो आप खुद एक्शन लोगे या डिवाइन की तरफ से कुछ एक्शन होने वाला है जिसका आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। एट ऑफ वॉन्ड्स को मैं क्लेरिफाई करूँगी। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है जो आपको सक्सेस भी देगा, अप्रिशिएशन भी देगा और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देगा। ये चेंज आपकी लाइफ में एक बैलेंस लाने वाला है। आपके एफर्ट को ये सक्सेस देने वाला है। आज का रीडिंग मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप ड्रीमिंग एंड स्टे होपफुल फॉर टुमारो। कल मिलते हैं और एक नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अलविदा।